हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज़ निकाली है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी के जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा, सभी के बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी के नाम्स भी बताऊँगा और उनके जो जो सिद्धांत से उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। टोटल मैं इसका 3 पार्ट निकालूंगा, आज ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। टोटल इसमें मैंने करीबन 50 से 60 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लिया हुआ है और साथ ही करीबन 20 से 25 मैंने मनोवैज्ञानिक्स को भी यूज़ किया है और उनके जो जो फेमस जो उन्होंने आविष्कार किए थे या जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में चर्चा भी की है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा, पहले पूरा वीडियो को आराम से देखिए, इसे नोट ना कीजिए, फर्स्ट टाइम इसे नोट नहीं कीजिए। जो जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, जो पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ, उन्हें आप दिमाग में सोचते जाइए, पढ़ते जाइए, आराम से सुनिए, ठीक है। दूसरी टाइम इसे फिर से देखिए और उसके बाद इसे नोट कीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पहला बार आपने जो पढ़ा जो सुना वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जब दोबारा आप लिखेंगे या फिर दोबारा जब उसे सुनेंगे ना, तो वो आपको जब कॉपी में लिखने के साथ साथ आपको वो 100% याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस देता हूँ कि फर्स्ट टाइम इसे पहले सुनिए, देन सेकेंड टाइम इसे लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब हम लोग भी एग्जाम देते थे तो हम लोग भी कुछ इस तरह के ट्राई करते थे और उसका अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिलता भी था, सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो ये अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है विलियम जेम्स। आपने इनका नाम अक्सर सुना भी होगा और ये एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। तो इनके टोटल मैं आपके सामने 4 सिद्धांत को लाया हूँ। पहला सिद्धांत है मनोविज्ञान, दूसरा है आधुनिक मनोविज्ञान, तीसरा है प्रकार्यवाद संप्रदाय, चौथा है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। टोटल ये 4 हैं, ये चारों विलियम जेम्स के द्वारा दिया हुआ है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके सभी जितने भी सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो मैं सिद्धांत के बारे में बताऊंगा ये बेसिकली ओवरव्यू होगा, क्योंकि डिटेल्स में तो बता नहीं पाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो 2-3 घंटा का हो जाएगा। तो चलिए सिंपल सा देखते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान होता क्या है? देखिए मनोविज्ञान वो होता है जिसमें हम एक बालक क्या जो विकास कर रहा है उसके बारे में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। क्या जानते हैं मनोविज्ञान में, एक बालक का अध्ययन करते हैं और उसमें ये जानकारी पाते हैं कि उस बालक को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की। तो आधुनिक मनोविज्ञान में हम बालक के विकास में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है के साथ साथ उसके जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसकी भी देख रेख करते हैं, उसकी भी खोज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले वाले में यानी कि मनोविज्ञान में हमें बालक को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, आधुनिक मनोविज्ञान में क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, साथ ही साथ उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी रखना है। अगला जो है वो है हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय, ठीक है। इसके भी जनक हमारे विलियम जेम्स हैं और जो प्रकार्यवाद है इसको विलियम जेम्स ने बेसिकली 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है उसमें वो व्यक्ति क्या करते हैं इसके बारे में खोज करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, यानी कि व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में खोज करते हैं। और जो दूसरा है उसमें व्यक्ति में कोई व्यवहार क्यों करता है उस बारे में खोज करते हैं, यानी कि इसमें बेसिकली वो 2 क्वेश्चंस को अराइज करते हैं। प्रकार्यवाद में उन्होंने 2 क्वेश्चंस अराइज किया है। पहला जो क्वेश्चन था वो व्यक्ति क्या करते हैं उस बारे में जानने के लिए, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो व्यक्ति अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो वो व्यवहार के पीछे का क्या कारण है वो जानने के लिए। तो बेसिकली प्रकार्यवाद इन 2 भागों पर डिपेंड करता है। अगला जो है वो है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये भी हमारा विलियम जेम्स के द्वारा दिया हुआ है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति को वो क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या है इसके बारे में जानते हैं और इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि वो आगे क्या बन सकता है इसके बारे में हम सोचते हैं। ये है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का बेसिक फॉर्म, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा कि मैं कैसे हूँ, मेरी क्या विशेषताएं हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये किसकी अवधारणा है या फिर ये किसने कहा है। तो ये कहा था बेसिकली विलियम जेम्स ने और ये आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है। यही होता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आई होप जो मैंने अभी चारों चीज़ बताए हैं ये चारों आपको क्लियर
हुआ हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे जो बटन लाइक दिख रहा है उसे लाइक करते जाइए। अगला जो हमारा है वो है एडवर्ड थंडाइक। थंडाइक जी का आपने सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और इनके जितने भी सिद्धांत इन्होंने दिए हैं उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शिक्षक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थंडाइक जी। ठीक है, दूसरी चीज़, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वह होता है जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक क्रियाओं और उसके अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, वो भी शैक्षिक परिस्थिति में। शैक्षिक परिस्थिति कहने का मतलब उसके एजुकेशन के टाइम में वो क्या सोचता है, उसके अनुभव क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सबको देखा जाता है, यही है शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। बहुत ही फेमस मेथड है। देखिए यहाँ पर जो ये मेथड है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और एस आर थ्योरी, बेसिकली ये सभी के सभी सिमिलर ही हैं। थंडाइक जी का ये द्वारा दिया हुआ सभी के सभी ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, बस कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये कहता है कि करके सीखो हर चीज़ को, जो भी आपको सीखना है उसको प्रयास करो, त्रुटि होती है और फिर उससे सीखो, यही है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा है हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज़ को बार बार ट्राई करो और सीखो। ठीक है, कैसे करो? बार बार ट्राई करो और सीखो। अगला जो है हमारा वो है संयोजनवाद का सिद्धांत। ये कहता है कि किसी स्टूडेंट्स को या किसी को कैसे सिखाना है, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, पहला दो चीज़ तो हमारे पास था जो हमारा प्रयास का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि और प्रयत्न एवं भूल का था, ये सीखने पर था कि कैसे सीखना है, और जो संयोजनवाद है ये बताता है कि किसी को कैसे सिखाना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला जो हमारा है वो है उद्दीपन का सिद्धांत या फिर एस थ्योरी, एस आर थ्योरी। देखिए ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, उद्दीपन का सिद्धांत बोल दीजिए या फिर आप इसको एस आर थ्योरी बोल दीजिए। उद्दीपन का ही जो मतलब फुल फॉर्म होता है वो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली थंडाइक जी ने ये बिल्ली पर आविष्कार किया था, बिल्ली पर उन्होंने शोध किया था इस चीज़ को कि बिल्ली को वो मछली, वो उसको भूखे रखते थे और फिर मछली के गंध देते थे जिससे मछली आती थी। तो ये बेसिकली था उद्दीपन का सिद्धांत, यानी कि किसी को किसी चीज़ के थ्रू सिखाना या फिर कुछ प्रक्रिया के द्वारा किसी क्रिया को बार बार दोहरा करके सिखाना, ये बेसिकली था थंडाइक जी का एस आर थ्योरी या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। आई होप क्लियर हुआ हो। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा अधिगम का बंध सिद्धांत, जो कि दिया हुआ था थंडाइक जी का। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी दिया हुआ है थंडाइक जी का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अधिगम बंध का सिद्धांत और जो संबंधवाद का वाद का सिद्धांत है, ये दोनों भी सिमिलर हैं। देखिए मैं अलग अलग नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी नाम पूछा जा सकता है, होते सब सेम है बट एग्जाम्स में कुछ भी आता है। तो जो ये हमारा संबंधवाद का सिद्धांत है, यह सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस बारे में बात करती है। ठीक है, संबंध किसके बारे में बात करती है? सामाजिक और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जो सीखा जाता है उसके बारे में ये चर्चा करती है, उसके बारे में ये बात करती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगला जो है वो है हमारा परीक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। बेसिकली ये दो पार्टों में बटा हुआ है, बहुखंड और बहुत्व बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये बेसिकली दो भागों में बटता है। पहला भाग जो होता है वो है हमारा बहुखंड सिद्धांत और जो दूसरा है वो है बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। इन दो पार्टों में बांटकर इसे बनाया गया है, परीक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। अगला जो है हमारा बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये तीन भागों में होता है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। तो आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी हमारा थंडाइक जी के द्वारा दिया हुआ था। इसमें होता क्या है, इसमें वस्तुओं तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं और उनमें आपस में तालमेल करने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये बेसिकली उनका रीजनिंग पावर को बढ़ाती है। ठीक है, जो यहाँ पर जो तीन पार्ट हैं, मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये बेसिकली तीन पार्ट हैं और तीनों का अलग अलग मतलब होता है।
जो मूर्त है, ये हमारा बेसिकली खेल विधि से जो सीखा जाता है, खेल करके, नृत्य करके, घूम फिर के जो सीखा जाता है वो मूर्त विधि में आता है। अमूर्त जो है हमारा, मूर्त अमूर्त में हम लोग बेसिकली चिन्ह, शब्द, सूत्र, अंक यानी कि मैथ वगैरह जो होता है वो अमूर्त विधि में सीखते हैं। जो हमारा सामाजिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि में हम बेसिकली व्यवहार देखते हैं, सामाजिक परिस्थिति देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अगले जो हमारे हैं वो हैं थॉमसन। चलिए थॉमसन का देखते हैं। देखिए थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत तो बहुत सारे दिए थे बट एक सिद्धांत इनका बहुत ही फेमस है, वो है वर्ग घटक, या फिर इसे बोलते हैं न्यायदर्श, या इसे बोलते हैं प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। बेसिकली ये नाम है इनका, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये किसने दिया था? थॉमसन जी ने दिया था। ये होता क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें संज्ञानात्मक निर्णय लेने का और नए नए कौशल जो सीखते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मैं हर चीज़ को आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्स नहीं है। आप इसका डिटेल्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये जो समझ में नहीं आया मैं आपको लिए उसका पूरा डिटेल से वीडियो बना दूंगा। इसलिए मैं ओवरव्यू हूँ, अगर मैं पूरा लंबा आपको दूंगा तो ये 2-3 घंटा का हो जाएगा, जो काफ़ी लेंदी क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ और सभी आपको समझाते चल रहा हूँ, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं हमारे अल्फर्ड बीने। बीने के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने के मिलते हैं, ये खास करके बुद्धि सिद्धांत के लिए बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। तो बीने का जो पहला सिद्धांत हमने यूज़ किया है वो है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक सिद्धांत। देखिए बीने साइमन जो बुद्धि है, नाम से ही मालूम चल रहा है, इसने दो मनोवैज्ञानिक थे, एक बीने और एक साइमन, इन दोनों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया था यानी कि खोज किया था। ये बेसिकली 3 साल से 16 साल के आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती रहती है उसको माप करती है, ठीक है। कितने साल से आपको याद रखना है, 3 से 16 साल के बीच के बच्चों को। इन्होंने जो साइमन बुद्धि परीक्षण था, इन्होंने जो अपने जो 3 से 16 साल का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने 3 कैटेगरी निकाली थी। पहला जो कैटेगरी था वो था जड़ बुद्धि, जिसे वो इडियट्स बोलते थे। जो दूसरा था वो था हीन बुद्धि, और जो हमारा तीसरा है वो है मूढ़ बुद्धि। तो आपको ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी की थी, पहला जड़ बुद्धि, दूसरा हीन बुद्धि और तीसरा मूढ़ बुद्धि। तो आपको ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। अगला है हमारा बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? अल्फर्ड बीने हैं। बुद्धि परीक्षण में बेसिकली होता क्या है, इसमें मानसिक और बुद्धिक जो भी बौद्धिक गुण होते हैं उनका जांच किया जाता है या फिर उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक खंड बुद्धि सिद्धांत। देखिए एक खंड, द्वि खंड, तीन खंड सब अलग अलग हैं और सभी ने अलग अलग ने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारा अल्फर्ड बीने ने। इसमें व्याख्या निर्णय का परीक्षण किया जाता है यानी कि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में बोलने की क्या क्वालिटी है, वो कितना अच्छा बोल पाता है, वो किसी चीज़ को कितने तरह से व्याख्यान कर पाता है, ये बेसिकली किया जाता था एक खड़ बुद्धि सिद्धांत में। आई होप क्लियर हुआ हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के भी आपने बहुत सारे थ्योरीज देखे होंगे जो एग्जाम में देखने को मिलता है, खास करके द्विखंड, त्रिखंड और सामान्य बुद्धि सिद्धांत, ये इनके बहुत ही फेमस हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं द्विखंड यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, इसके जन्मदाता कौन है? स्पीयरमैन। तो होता क्या है बेसिकली द्विखंड, द्विखंड में हम लोग सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर, देखिए एक ही चीज़ को मनोवैज्ञानिकों ने ना एक ही चीज़ को अलग अलग नाम दे करके बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा किए हुए हैं और हम उसी कन्फ्यूजन में घूमते रहते हैं अक्सर। ये जो द्विखंड सिद्धांत है ना ये बेसिकली इसी का पार्ट है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है ये द्विखंड सिद्धांत यही है, ठीक है। इसमें जो जी फैक्टर और एस फैक्टर है यानी कि जनरल और स्पेसिफिक जो है यही है द्विखंड का दो पार्ट। द्विखंड मतलब दो पार्ट हुए, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी। तो पहला फैक्टर क्या हो गया? जनरल, और दूसरा फैक्टर हो गया स्पेसिफिक, यही है द्विखंड बुद्धि सिद्धांत। जो तीन खंड होता है, जो आपका जो अगला पॉइंट है वो है तीन खंड बुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी में जो पहला फैक्टर है वो है हमारा जनरल, दूसरा फैक्टर है वो है स्पेसिफिक, और जो तीसरा है वो है समूह यानी कि ग्रुप। तो आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, दो खंड में सामान्य और विशिष्ट, तीन खंड में सामान्य, विशिष्ट और समूह, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत।
ये भी दिया था किसने, स्पेयर मैन ने दिया था। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आपने दो खंड तीन खंड तो देखा, जो बुद्धि का जो शक्ति, जो बुद्धि शक्ति का जो सिद्धांत है, ये बहुत सारे चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। इसमें हम लोग शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, स्मृति, तांत्रिक, भाषा और अन्य बहुत सारी योग्यताओं को मिलाते हैं और उसके बाद तैयार करते हैं बुद्धि का द्वय सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। अगला जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो है गिलफोर्ड, आपने इनका भी नाम बहुत ही बार सुना होगा। तो इन्होंने दिया था त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, पहला जो है वो है त्रिआयामी या त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत और जो दूसरा है वो है बुद्धि संरचना का सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इन्होंने ये दो थ्योरीज दी हैं बेसिकली। ये जो त्रिआयामी हैं, जो त्रिआयामी जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत है, त्रिआयाम में इन्होंने तीन पार्ट्स क्रिएट किए थे। पहला जो था वो था सक्रिय, दूसरा जो था वो है वस्तु विषय और जो तीसरा था वो था उत्पादन यानी कि सक्रिय यानी कि ऑपरेशन, वस्तु विषय यानी कि जो भी कंटेंट्स थे, उत्पादन यानी जो भी प्रोडक्ट्स थे। इन तीनों के विषय में जो भी चर्चा होती थी या जो भी सीखा जाता था वो था त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में। और चलिए हम अपने अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि हैं थर्स्टन। थर्स्टन के बेसिक हम चार थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या थ्योरीज हैं और कैसे वर्क ये करता है। जो पहला है वो है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसे कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने सात मानसिक योग्यताओं का समूह बनाया था और उस पर अपने रिसर्च किए थे, अपने जो भी कंक्लूजन्स निकाले थे वो सब सात मानसिक योग्यताओं पर बेस्ड था। देखिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें याद करनी होगी, जैसे एक खंड बुद्धि सिद्धांत यानी कि सिंगल फैक्टर, द्वि खंड यानी कि टू फैक्टर, त्रिखंड यानी कि थ्री फैक्टर और जो ग्रुप फैक्टर है हमारा समूह खंड। इन सभी को देने वाले अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में कुछ अलग कंक्लूजन्स हैं, निकालने का तरीका अलग है, तो आपको सभी को उनके हिसाब से ही याद करना होगा। क्योंकि अगर ये हॉचपॉच हो गया यानी कि ये मिक्स हो गया तो आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन करेंगे और गलती ज़रूर करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। इसके भी प्रतिपादक कौन है हमारे, वो हैं थर्स्टन। देखिए युग तुलनात्मक होता क्या है, युग तुलनात्मक में बेसिकली करते क्या है, बेसिकली मान के चलिए कोई दो थ्योरीज हैं हमारे पास या फिर कोई दो इंटेलिजेंस का तरीका है, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा उसमें तुलना करना, यही कहलाता है तुलनात्मक निर्णय। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है। ठीक है, अगला जो है वो है क्रमबद्ध अंतराल विधि। देखिए क्रमबद्ध अंतराल विधि ये होता क्या है, जैसे कि सीखने के आपने सुना होगा जिन पियाजी जी ने सीखने के अलग अलग स्टेज दिए थे, उसी तरह थर्स्टन जी ने भी सीखने के क्रम बनाए थे कि पहले आपको क्या सीखना है, उसके बाद आप क्या सीखोगे, उसके बाद आप क्या सीखोगे। तो ये जो उन्होंने क्रम बनाया था यही क्रम कहलाता है एक तरह से क्रमबद्ध अंतराल विधि। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा समदृष्टि अंतर विधि। बेसिकली ये दो लोगों ने दिया था, एक है हमारा थर्स्टन जी ने दिया था और दूसरा है चेव ने, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। अक्सर एग्जाम में आपको चेव ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर थर्स्टन टिक मारेंगे, बट अगर दोनों ऑप्शन है थर्स्टन व चेव दोनों लिखा हुआ है तो आप इसको टिक मारेंगे क्योंकि यही वहाँ पर सही होगा। आई होप क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि अगला आपको दिख रहा है बर्ट एवं बर्न, ये हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने दिया था पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, जिसे क्रमिक महत्व भी कहा जाता है या फिर क्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये सिद्धांत जो था ये बेसिकली डिपेंड करते थे सामान्य बुद्धि के सिद्धांत पर, यानी कि जो जनरल फैक्टर है ये बेसिक उस पर डिपेंड करते थे और इन्होंने उसे दो भागों में बांटा था। सामान्य बुद्धि को इन्होंने दो भागों में बांटा था, जो पहला पार्ट था वो था शाब्दिक और जो दूसरा पार्ट था वो था उनका अशाब्दिक या फिर जिसे बोलते थे गमनाक। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे जिसमें उन्होंने बांटा हुआ था अपने पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत को। तो चलिए आगे देखते हैं आर बी कैटल को। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, आप इसे सुधार लीजिएगा। आर बी कैटल बोलते हैं इन्हें, ठीक है, आर कैटल बी नहीं बोलते हैं, वो गलत मे बी गलत टाइप हो गया है, वो आप इसे सुधार लीजिएगा। आर बी कैटल, देखिए आर बी कैटल का बहुत ही फेमस सिद्धांत है, वो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो इनका पहला सिद्धांत है वो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और जो दूसरा है वो है प्रतिकारक सिद्धांत, जिसे कि विशेषक प्रतिपादक सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो पहले देखते हैं तरल ठोस। ठीक है, तरल ठोस जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है, तरल यानी कि वंशानुक्रम जो कि जेनेटिक से आपका चलते आ रहा है, और ठोस यानी कि जो आपने अनुभव से सीखा है। तो तरल ठोस किस पर डिपेंड करता है? वंशानुक्रम और अनुभव पर डिपेंड करता है। और जो प्रतिकारक सिद्धांत है, इसमें उन्होंने टोटल 16 पर्सनैलिटीज फैक्टर्स पर डिस्कस किया है, उसकी थ्योरीज लिखी है और उसी के बारे में बहुत सारी शोध भी की हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि हमारा जिन प्याजे जी का है। बहुत ही फेमस नाम और आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। तो जिन प्याजे जी ने बेसिकली दो सिद्धांत जो बहुत फेमस है, पहला है विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक सिद्धांत, जिसे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और जो दूसरा है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत के बारे में। ये जो सिद्धांत है, ये मनुष्य के जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो भी उनके जीवन में परिवर्तन आता है, ये बेसिकली उसके बारे में चर्चा करता है। जैसा कि नाम ही है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो जो भी उसके जीवन में चेंज आएगा या फिर जो भी वो बच्चा से लेकर के बड़ा हो रहा है, जो भी उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आता है, उन सब के बारे में डिस्कस होता है। अगला जो है हमारा वो है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। बेसिकली इसको उन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। कितने स्टेजों में? 4 स्टेजों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें वो उनके बुद्धि के और उनके विकास के संबंध में चर्चा की है। तो जो 4 स्टेज हैं, उनमें से पहला स्टेज आता है वो है सांवेदिक, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक, और चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक। आपको सभी के जन्म भी याद रखने हैं, यानी कि उनके उम्र भी याद रखने हैं। जो पहला है, जो हमारा संवेदिक है, उसकी अवस्था होती है जिसे सेंसर मोटर भी कहा जाता है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व सक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है, जो कि 2 साल से 7 साल तक होता है। तीसरा जो मूर्त सक्रियात्मक, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहा जाता है, ये 7 से 11 साल तक होता है। और जो लास्ट हमारा यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक, जिसे कि फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है, ये 11 से 18 साल के लिए होता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेज थे। तो टोटल आज हमने डिस्कस किया टोटल 10 मनोवैज्ञानिक के बारे में, और देखे उन्होंने क्या क्या शोध किए थे, क्या क्या सिद्धांत दिए थे, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही मैं इसका जो दूसरा पार्ट आप लोगों को दूंगा उसको भी वेट कीजिए, बहुत ही जल्द मैं उसे भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। उसमें बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और देखते हैं टोटल मैं जैसे मैंने बताया आपको कि इसके 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर, और जो भी नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।